वहीं गोंडा जिले के ब्लॉक रुपई डी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भुटकुड़ा में प्रधान और सचिव के घोटालों की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि प्रधान और सचिव ने मिलकर ग्राम निधि और मनरेगा से अपने ही फर्म पर पेमेंट करा लिया और बिना काम किए ही निधि से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। मैं इस समय गोंडा जिला के ब्लॉक रुपई डी के अंतर्गत आने वाले भुटकुड़ा गाँव में खड़ा हूँ, जो यहाँ पे एक दलपतपुर है। यहाँ पे प्रधान ने एक काम करवाया है, जो ब्रिक पर्चे दलपतपुर बड़का तालाब से नहर पुलिया तक खड़ंजा का मरम्मत कराया, जो मैं रोड दिखाना चाह रहा हूँ। ये खड़ंजा का मरम्मत हुआ है। अब किस तरह का मरम्मत हुआ है आप सब लोग देख सकते हैं। इसमें कहाँ ये नई ईंट कहीं दिख नहीं रही है, सारी ईंटें पुराने दिख रही हैं। ये लगभग हमें तो लग रहा है कि 5-6 साल समथिंग पहले ही किया गया था, लेकिन प्रधान ने बताया कि अभी हमने करवाया है। इनका पेमेंट भी हो चुका है 1,31,040 रुपये का। आइए इसी गांव के एक लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूं कि इस रोड की मरम्मत कब हुई है, कैसे हुई है, कब करवाए हैं। क्या नाम है आपका? मैं चरण सिंह हूं जी, जो ग्राम सभा दलपतपुर के। आप दलपतपुर के हैं, तो आपका प्रधान ने इस पर दिखाया कि इसका मरम्मत करवाया गया, जिसका पैसा भी पे कर चुका है। एक मिनट 1,31,040 रुपये का। तो इस पर क्या बताएंगे आप? हम कैसे माने कि वो निकाल लिए हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं हुआ। आप रहते कहाँ? यहीं रहते हैं जी। आपके सामने 2-4-6 महीने में इसकी मरम्मत हुई नहीं? कुछ हुई? नहीं हुआ, कोई मरम्मत नहीं हुई। जैसा कि आपने देखा कि ये जो ग्रामवासी हैं बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई मरम्मत नहीं की गई है, प्रधान ने इसका पैसा भी निकाल लिया है। ये ईंटा गिरवाया गया है प्रधान जी द्वारा, जो आप देख सकते हैं ना तो सही है और ना ही ये समतल है, ना ही ये सीधा है। ये जिस तरह से दिख रहा है खड़ंजा ईंटा है, इसी से प्रधान जी रोड निर्माण करवाएंगे। ये कितना दिन तक चलेगा ये ऊपर वाले जाने। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे प्रधानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पूरा गांव की जांच करवाई जाए। चूँकि ये काम ना करवा करके भी पैसा पेमेंट करवाया गया है, इनका जो सचिव हैं या BDO हैं, जो भी उच्च अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये यहाँ पर मरम्मत कराया गया है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह का मरम्मत कराया गया है। ना तो यहाँ पर ईंट कोई लगी हुई है, ये पुरानी साफ साफ दिख रही है। ये बहुत पहले का खड़ंजा निर्माण करवाया गया है, जिसका पैसा भी पेड हो चुका है। और ये दिखा रहे हैं कि प्रधान जी ने बताया कि ये मैं इसका मरम्मत करा चुका हूँ। गांव वाले बताते हैं कि अभी इसका कोई मरम्मत नहीं किया गया है, लेकिन इसका पैसा पेमेंट हो चुका है। ये साफ साफ दिख रहा है कि कैसे मरम्मत कराया गया है। ये मरम्मत हुआ है और अभी जस्ट मरम्मत हुआ है। यहाँ पे ये दिख रहा है अगर कोई बच्चा गलती से इसमें इसका पैर पड़ जाए तो टूट जाएगा। ये प्रधान जी ने मरम्मत कराया है, इसका पैसा भी पेड हो चुका है। मरम्मत की बात अभी हम कर रहे थे, ये मरम्मत हो रहा है, जो कि जो पहले ईंटा लगा हुआ था, पुराना ईंटा था, उसी से मरम्मत हो रहा है। और जबकि इसको चाहिए कि नया ईंट लगा करके इसकी मरम्मत करवानी चाहिए। जब यह रोड पूरा पास हुआ है, कार्य योजना से निकल चुका है, सही ईंटा लगा कर बनवाना चाहिए, लेकिन पुराने ईंटा से ही बनाया जा रहा है। प्रधान ने दिखाया कि विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प रिबोर व मेटेरियल एंड मिस्त्री, जिसका खर्चा 74,800 रुपये इनका निकल चुका है। साफ साथ में दिख रहा है कि होम पेड किया गया है 74,880 रुपया विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प रिबोर फॉर मटेरियल एंड मिस्त्री का। जो यहाँ पर नल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कितने दिन से ख़राब पड़ा हुआ है। आइए, घर वाले भी बैठे हैं, इनसे मैं बात करता हूँ कि नल कितने दिन से यह ख़राब है। प्रधान ने दिखा दिया कागज में कि हाँ नल बन चुका है, इनका पैसा पेमेंट हो चुका है। अब घर वालों की क्या समस्या है? भारत सरकार जिस तरह से अपना स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, उसका प्रयोग उसका उपयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुरुपयोग प्रधान लोग किस तरह से कर रहे हैं, इसी तरह से लोगों में भयानक बीमारियां फैल रही हैं। इन बीमारियों के पीछे सरकार बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा करती है। ये प्रधान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। मैं ये बात करता हूँ इनसे कि नल कितने दिन से ख़राब है। क्या नाम है आपका? बिंदु। ये बताइए कि नल जो आपके यहाँ पे लगा कितने दिन से ख़राब है? 10 साल से। ये नल आपका 10 साल से खराब है, लेकिन प्रधान ने दिखा चुके हैं इसमें विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप का रिबोर व मतलब मिस्त्री मटेरियल सब कुछ आकर के बन चुका है नल। इस पर क्या बताएंगे आप? कहेंगे कि नहीं बना, नहीं 10 साल से खराब पड़ा हुआ है। तो जैसा कि अभी घर वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि 10 साल से नल खराब है, जबकि प्रधान ने दिखाया कि सारा मटेरियल, मैं नल का रिबोर करवा चुका हूँ, मैं नल बनवा चुका हूँ। अब इस तरह के प्रधान के खिलाफ क्या किया जाए, आगे देखते हैं। यह सरकार द्वारा भारत स्वच्छ मिशन की एक योजना चलाई जा रही है, जो हर गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। ये सफाई कर्मचारी किस तरह की सफाई करते हैं, जो कि मेन रोड दिख रहा है, CC रोड भी बना हुआ है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक दिख रहा है कि किस तरह की सफाई हुई है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा या कोई आदमी, इस तरह बारिश का मौसम चल रहा है, कभी गलती से निकल जाए,
कोई भी जहरीला जंतु बैठा हो उसको काट सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसके बाद में लोग हल्ला मचाएंगे। अब इन सफाई कर्मियों के ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है? जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी मैं विक्रांत कुमार सिंह, प्रधान अध्यापक भोड़कुड़ा, इंचार्ज प्रधान अध्यापक भोड़कुड़ा। जी सर, यहाँ पे आपका एक आया है कि मिट्टी परचेस फॉर प्राइमरी स्कूल भोड़कुड़ा में मिट्टी पटाई एंड समतलीकरण का कार्य करवाया गया प्रधान द्वारा, तो इस पे क्या बताएंगे? आपके पीरियड में हुआ है कि नहीं हुआ? जी ये चूंकि ये मुद्दा जो है 22-23 का है। जी और ये 22-23 में जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये 15 दिन की छुट्टी हमारी जो विंटर वेकेशन की हुई थी और उसके बाद जो है गर्मी की छुट्टी हुई थी 25 दिन। इस बीच में अगर कोई कार्य प्रधान द्वारा कराया गया और जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, बाकी अभी तक तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, इस तरह का मिट्टी पटाई का कार्य नहीं हुआ। मतलब जब से आप यहाँ पे शिक्षण कार्य करने आए अपने वेकेशन बिता करके, उस बीच में नहीं करवाया? नहीं नहीं, इस बीच में तो हमारे यहाँ मिट्टी पटाई का कार्य नहीं हुआ है। जहाँ तक कि मैंने अपने प्लान में इसको BRC पे नोट भी कराया है कि हमारे यहाँ मिट्टी पटाई का कार्य है, कम से कम 100 टन मिट्टी की जरूरत है। हमने BRC को नोटिस भी दिया है, लिख करके दे भी दिया है। जैसे हमने देखा भी विद्यालय में आपके ऐसा कहीं कि उस लग नहीं रहा कि मिट्टी पटाई या समतलीकरण करवाया गया हो, तो इसमें तो प्रधान ने लिख दिया है कि 35,350 रुपये का हमने मिट्टी परचेस करके स्कूल का समतलीकरण करवाया गया है, तो आपके पीरियड में नहीं हुआ है, आपने लिख करके BRC पर दे भी दिया है। ठीक, धन्यवाद। मैं इसमें गोंडा जिला के